पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार के कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर की गई टिप्पणी की कांग्रेस पार्टी ने निंदा की है। हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना पार्टी का आंतरिक मामला है और इस पर किसी को बोलने का हक नहीं है। उन्होंने भाजपा को एक व्यक्ति विशेष की पार्टी करार दिया। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने भाजपा नेताओं पर जमकर हमला बोला। कौशल ने कहा कि भाजपा को कांग्रेस के आंतरिक मामलों में बोलने का हक नहीं है। कौन पार्टी का अध्यक्ष होगा ये पार्टी के नेता व कार्यकर्ता तय करेंगे। वहीं परिवारवाद की टिप्पणी पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सबसे बड़े चापलूस हैं, उन्हें परिवारवाद पर नहीं बोलना चाहिए। जो आंतरिक लोकतंत्र का एक हिस्सा है हमारी पार्टी के, उस मुद्दे के ऊपर शांता कुमार जी का बयान है कि मैं खुशी मनाऊं या दुखी हूं कि राजीव गांधी परिवार की गुलामी से जो कांग्रेस को निकल नहीं देंगे। मैं उसकी कड़े शब्दों में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है वो निंदा करती है और ये कहना चाहते हैं हम कि गांधी परिवार का इतिहास इस देश के अंदर बलिदान का इतिहास है, कुर्बानियों का इतिहास है। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के परामर्श की कांग्रेस पार्टी को आवश्यकता नहीं है। इसका फैसला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करेगा, कांग्रेस पार्टी के नेता करेंगे। और रही परिवारवाद की बात, तो उसमें मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक चीज जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का एक बयान आया, कहीं उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देवताओं के भी भगवान हैं। प्लीज नोट करें इस पॉइंट को। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि नरेंद्र मोदी देवताओं के भी भगवान हैं। अब इससे ज्यादा चापलूसी और इससे ज्यादा व्यक्ति पूजा कोई हो सकती है दूसरी? और ऐसे लोग आज परिवारवाद की बात कर रहे हैं। कौशल ने कहा कि भाजपा संस्था और संगठन के रूप में खत्म हो चुकी है और केवल व्यक्ति विशेष की होकर रह गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा में राष्ट्रीय व प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव आरएसएस के कहने पर होता है। वहीं कौशल ने भाजपा नेताओं के द्वारा कांग्रेसी नेताओं के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा को भी संस्कृति से परे बताया। भारतीय जनता पार्टी एक संस्था के रूप में पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में आज न कोई संस्था है, ना कोई संगठन है। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई चीज है तो वो है एक नरेंद्र मोदी, और मोदी के अलावा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी घूम रही मोदी के इर्द गिर्द, तो क्या वो व्यक्तिवाद नहीं है? क्या वो व्यक्ति पूजा नहीं है? और भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन आज दिन तक, मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग भी बड़े जागरूक लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कब होते हैं? नड्डा जी को कब अध्यक्ष चुना गया? वो तो एक व्यक्ति की च्वाइस, और एक आरएसएस जो कहता है वही भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनता है, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश के अंदर हो। कांग्रेस पार्टी को क्या दिशा लेनी है, कांग्रेस पार्टी को किस दिशा में जाना है, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तो कौन करेगा, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जो टिप्पणियां हैं वो आपत्तिजनक हैं। हम उनकी निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो भाषा है, जिस संस्कृति के ये अपने आप को संवाहक कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, कि हम हिंदू संस्कृति के संभाग हैं, मैं जानना चाहता हूं जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल माननीय सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, यहां तक कि प्रियंका गांधी के लिए और दूसरे कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह जी के लिए जब वो प्रधानमंत्री थे, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेता करते रहे हैं, वो कौन सी हिंदू संस्कृति है जिसमें इस तरह की भाषा जो है वो बोली जाती है, सिखाई जाती है? प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्चुअल रैली में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ भाजपा बूथ कमेटियों की बात कर रहे हैं, जो कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है और कांग्रेस इसका विरोध करती है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश सरकार सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल संगठन के काम के लिए करेगी तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगी। वर्चुअल उसमें सिस्टम के ऊपर जो अलग अलग जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके जो बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, उनसे इंटरनेट के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं।
लाभार्थियों के साथ योजनाओं की बात करने की बजाय अपनी बूथ कमेटियों की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो बूथ कमेटियां हैं उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं, उनसे जुड़ने की बात कर रहे हैं। ये सरासर गलत है और सरकारी मशीनरी का भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए घोर दुरुपयोग जिसको मैं कह सकता हूं वो है। हम इसकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्री इस तरीके से लाभार्थियों का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आए तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध सड़कों के ऊपर भी करेगी।